ओम श्री परमात्मने नमः। तो भगवान अपने नित्य निरंतर स्मरण को अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय बतलाते हुए 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, अनन्य चेता सततम अयो माम स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ अनित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान श्री कृष्ण जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर, अनन्य चित्त होकर हमेशा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। अनन्य चित्त माने चित्त में एक परमात्मा के अलावा कोनो भी वस्तु का संकल्प विकल्प न हो, निष्काम सेवा तक बा भाई। वह जोन जानत आए कि महाराज पते हो गलबा 24 घंटा में कहा को रहे कि बा बस पता हो गलबा होता, लेकिन ओकरे विषय में चिंता नहीं, तब न अनन्य चित्त होवे भाई। जाने तो यहाँ एकदम सरल से सरल उपाय देव तबो सब कही न, बड़ा कठिन बतावत आए। कठिन का बा, शरीर सेवक बा तो सेवक बा, और का ई याद करे में बहुत मुश्किल बा। दियो जी डाग याद कर ले बा, और ई बात याद करे में मुश्किल बा। जैसन याद करबो उतना चरित्र होई को भाई। ई अहम एके एकदम गला करके भक्ति के धारा में बहा देवे के पड़ी, तनको करखा न रहे भाई। अनन्य चेता होगा भाई, माने चित्त में खाली परमात्मा के अलावा कोई नहीं बा, कि भाई कोई बा बोला जा। जौन कुछ भी बात सब साधन हो, जौन कुछ भी बात सब कहा साधन। अनन्य चित्त जिस, अब यहां पर बात रही कि जो पुरुष, तो पुरुष का बात हुई तो मेहरारू प्रश्न पूछ सकलिन कि महाराज मेहरारू बदे नहीं बा, खाली पुरुष बदे बा। यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ नर और मादा से नहीं हो, नर और मादा से, चाहे नर रहे चाहे मादा रहे, पुरुष का अर्थ वा जो विरक्त हो और जिसकी बुद्धि स्थिर हो, चाहे वह नर हो चाहे नारी हो। कोई नारी भी चाहे तो कर सकती है,
लेकिन पुरुष तत्व तो रहेगा तभी, ठीक है। तो जिसका चित्त परमात्मा के अलावा, देखो समझो जा, जिसका चित्त परमात्मा के अलावा अन्य किसी भी वस्तु में न लगकर क्षण मात्र के लिए भी नहीं, अन्य किसी भी वस्तु में क्षण मात्र के लिए भी न लग कर निरंतर अनन्य प्रेम के साथ केवल परम प्रेमी परमेश्वर में ही लगा रहता हो, परम प्रेमी परमेश्वर में ही लगा हो, उसे अनन्य चेता कहते हैं। तो देखो जो सरल उपाय बा वो कठिन लगता ना, ऐसे सरल दूसर कुछ नहीं बा, काहे के में सब काम करा के छूट बा। 48 घंटा ब्रह्मा से तपस्या करके दिन बनवा करके काम करो उसे मतलब, लेकिन कौनो क्षण अगर ई भाव टूटे का नियम नहीं बा। ठीक वही प्रकार से कि कबड्डी के मैदान में खेले बाया और एक दूजने के भी छुए बाया, तो कौनो सांस में कबड्डी कबड्डी टूटे का जगह टूटा तो फिर देखे बाबा एकदम सरल सरल उपाय नहीं। देखे कबड्डी खेले में मर जाता है और भगवान के प्राप्त करना चाहता है तब वो लगभग पानी पिए बीचे में कि कहबे कबड्डी कबड्डी, अरे आ तीसरा रुक पानी पी ली तब बोलम न, ऐसे कहबे तब से तो मर लेगी, कहिए तब जा बहरे पानी पिए, फिर खेल में तू पानी नहीं पी सकते है कि पी सकल है। एकर उदाहरण कोई दे ऐसे ऐसे पी पे कबड्डी 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 न लही है ग्रुप से कर लो सांस छूटा, सांस छूटा तो मरे नहीं। तो देखे अगर यहां से भी अगर कड़ा लगी तो मामला ठीक नहीं बा, यह तो चक्कर बा। देखो एकदम सही वृत्ति में घूमते घूमते काम निपटते निपटते एकदम सीधे परमात्मा में परमात्मा मुखी हो जाए, फिर गोल चक्र में घूमत रह तो जगह जगह लोग रही है, अरे अब पहलवान बड़ा मिलत जुलत रहन अब नहीं दिखाता है, अब का दिखती है उनका रास्ता बदल कर वे रास्ते। तो सततम माने एक क्षण का भी व्यवधान न पड़कर, एक क्षण का भी व्यवधान न पड़कर लगातार स्मरण होता रहे और ऐसा लगातार स्मरण आजीवन सदा सर्वदा होता ही रहे, इसमें एक दिन का भी नागा न हो, नित्य सह, ठीक ना। तो इस प्रकार सततम और नित्य सह दो पदों का प्रयोग करके भगवान ने जीवन भर नित्य निरंतर स्मरण के लिए कहे हैं। ठीक ना।
भाई देखो भगवान में मिले के बा तो सांस ही टूटे के नहीं जा। और जे ऐसा कर ले ओकरे कि हाँ पाप का एको कण आ नहीं सकत, जे नित निरंतर प्रभु के ही स्मरण में पड़ा बा तो वहां पाप कहाँ से आई। यह बात श्री रामचरित मानस में भी बा कि राम राम कही अजय जमुहाही अति नहीं न पाप पुन पुंज समुहाही। जाने पाप का कौनो किरण ऐसने जीव के सन्मुख नहीं हो सकत, जमहाता जे तबो भगवान के स्मरण सोते जागते उठते बैठते काम करते हुए हर क्षण, तो ओकर मन पाप के ओर कभी आकर्षित नहीं। लेकिन सब इतना कंजूस होगा भाई, गाजा पी है जुआ खेलिए लेकिन भगवान का नाम न ली है नहीं, जबकि मैं को पैसा लगा था भाई, तो कंजूस नहीं भाई। और ऐसे बड़ा कोनो हानि हो ही नहीं सकत, श्री राम नाम के जाप अगर नहीं होता तो ऐसे बड़ा कोनो हानि पूरे ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकत। कहे कि शंकर जी साफ साफ कहत हैं भाई कि हानि की यही जग असम की छिभाई अभजियन राम ही नर तनु पाई। मनुष्य के शरीर पाके भगवान का भजन नहीं कर ले चला गई ले अधो गति में, ऐसे बड़ा कौनो हानि पाप करके जितना बढ़ी ले ओके कोई याद करे वाला बाहू रहे तो करें सभी के बाहू करता है उन्हें एक करें कहा बुढ़ऊ नहीं, अंतिम में इतना छीछा लेदर कर दे सब। 2 महीना पड़ा रह गए, इतना मेहनत करेगी पड़ा कोई याद नहीं कर रहा, ये जो लालच में सब बनाया बनावा पहन ने कोई याद करे वाला नहीं बा। और वो याद करके क्या करी, अगर कोई यादों करे तो वो सब कुछ लेवा देवे के जीव तक गये अधोगति में जाने। पता चलल कि पतोहू में लगाव रख ले जाने? पतो पिलई में लगाव रखे और तू पिल्ला बन के पैदा हो गई ले, लगाव के कारण रसोईया में घुसे का प्रयास लगले करे और पतो है बेलना लेके मार दे मेजी टूट गया कुकुरे के पे 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 वही जीना। लगाव बहुत खतरनाक रोग है भाई जनन है, यह तो पूरा जो ना कल्पो कल्पो से जीव के फसाएगा। ये जड़ पूरे ब्रह्मांड में बा आसक्ति वाला जड़, आसक्ति कामना और ममता यह 3 जड़ पूरे ब्रह्मांड में, ऐसा नहीं बा कि स्वर्ग लोक में नहीं बा जाने, तो ये कैसे कटल आ जाना ले कहो गणेश जी कैसे जड़वा कटी।
बतावे। पानी पिए से, पानी पिए से तो नौकटी। संतोष का लोहा चाहिए, उसे वैराग्य का टांगा बनाइबे, और निष्काम भजन का धार चढ़ाऊबे, तो आसक्ति कामना और ममता का जड़ कटी। देख ले तुझसे कितनों कहो, लेकिन अभी निश्चित सिद्धांत बा, याने यह रास्ता संतोष का लोहा नहीं और बैराग का चंगारी। लोहा लोहे का टंगारी बनी ने, और ऊपर से निष्काम भजन के धार चढ़ाए रहवे, तो माया के कोनो प्रभुता पर चलबे न करी। को भाई कोई से बड़े प्रेम से खबर तोहार उन का बिगाड़ा पाए। अरे भाई भगवान के प्रसंग अपन कहता है, कोई के दुआरे जात तो कोई के कहे का अधिकार नहीं बाप। ठीक तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही स्वरूप, जो शिव रूप में हमको माने, श्री राम रूप में माने, कृष्ण और विष्णु रूप में माने, किसी भी रूप में, लेकिन मुख्य बात यह है कि सततम और नित्यतः माने नित्य, कोनो दिन भी नागा न हो, हमेशा स्मरण में ये बात बनल रहे कि शरीर खाली सेवक हो और परमात्मा ही एकर असली स्वामी, और वे ही है परम प्रेमी। उनके प्रेम में कोई कारण नहीं होता, बाकी सभी प्रेम में कारण होता है। संसार में जहां कारण नहीं है वहां प्रेम देखने को नहीं मिलता, नहीं गणेश जी? तो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करने वाला प्रेमी भक्त जब भगवान के वियोग को नहीं सह सकता, तब चौथे अध्याय के 11वें श्लोक के अनुसार भगवान भी उसका भगवान को भी ऐसे भक्त का वियोग असह्य हो जाता है। और जब भगवान स्वयं मिलने की इच्छा करते हैं तब कठिनता के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता है, जब भगवान है मिलना चाहिए। इसी हेतु से ऐसे भक्त के लिए भगवान को सुलभ बतलाया गया है। लेकिन भाई नित्य और निरंतर, इनमें कोनो खंडन के जगह नहीं। जिनकी भगवान में और भगवत प्राप्त महापुरुषों में, जिनकी भगवान में और भगवत प्राप्त महापुरुषों में परम श्रद्धा, दृढ़ विश्वास और परम पवित्र प्रेम है,
जिनको यह दृढ़ विश्वास हो जाता है खिलावन भाई कि नित्य निरंतर चिंतन करने से भगवान का मिलना सुलभ है, जने हवा में खाली नहीं, जेके ये बात का अनुभव होएगा, जने कि नित्य निरंतर चिंतन करने से भगवान का मिलना सुलभ है, उनके लिए तो भगवत कृपा से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण होना सहज ही है, नहीं अवश्य ही जिनमें श्रद्धा विश्वास और पवित्र प्रेम का अभाव है, जो भगवान के गुण प्रभाव को नहीं जानते और जिनको महात्मा के संग का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, उनके लिए नित्य निरंतर भगवत चिंतन होना कठिन है, नहीं भगवान के नित्य निरंतर चिंतन से भगवत प्राप्ति की सुलभता का प्रतिपादन किए। सबसे सरल वाला उपाय हो गणेश जी, अब जो ऐसे भक्त हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, जो भगवान को प्राप्त हो गए तो फिर वो माया में कहाँ रही है, समझो खिलावन भाई, नहीं जीते जीते जो इस स्वरूप देखता है कहाँ के नसीब बा, यह ने जब जीते जीते माया नहीं खींच सका था शरीर छूटे पर कहाँ इतना ताकत बा। अब ऐसे नित्य निरंतर भगवान के चिंतन करने वाले भक्त का पुनर्जन्म न होने की बात कहकर यह दिखलाते हैं कि भगवत प्राप्त महापुरुषों का भगवान से फिर कभी वियोग नहीं होता। जब उसका जन्म न हुई तो भगवान में स्थिर रही ने, तो बतावे बिने पत्रिका से समझे भाई वही नरक गर्भाशय में फिर मन रखे भाया जाए के ठोकरे बजे क्या करेंगे, क्या करेंगे पड़ी नित निरंतर यह भाव रहे कि शरीर सेवक बा शंकर जी एकर मालिक बहन भैया, जवन सत्य के आधार पर सेवा हो जाता बाकी राम खिलावन से तुझमे कुछ हो आशा मत करे, अगर ज्यादा जो है उठा पटक करता तो जवन होता वो न हुई, ये ने तो अनुभव किए कि भगवत प्राप्त महापुरुषों का भगवान से फिर कभी वियोग नहीं होता, चाहे शरीर रहे चाहे न रहे। मैं तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं
कि मामुपेत्य पुनर्जन्म अदुखयालयम् शाश्वतम् अनाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम् परमाम् गतः। अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर, दुखों के घर कौन घर कहाँ बा ये घर जो उन घरवा सब जने बनाए हुए दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। ये जो जीवन हो यह है दुख के घर, जने और ये क्षण भंगुर हो ये कहा क्षण भंगुर जने 30 बरिस देवता के 1 वर्ष होला खाली और ब्रह्म लोक तक नश्वर बा। ब्रह्म लोक तक जवान लोकवे नश्वर बा तो कर वस्तु नित्य रही और अनित्य वस्तु से कभी अस्थाई सुख नहीं प्राप्त हो सकत। अनित्य वस्तु से कभी अस्थाई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, तो फिर अनित्य वस्तु की ओर प्रयास हुई नहीं, तब इसका रिजल्ट निकली क्या निकली भा कि कही तात सो परम विरागी अत्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ये रिद्धि सिद्धि और तीनों गुण ब्रह्मांड का वस्तु और साधन साधन बायन देकर तिनका की तरह त्याग कर दे तो फिर रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़वे नो नहीं। जब परम सिद्धि मिली तब न सिद्धि छोड़वे नहीं। कहनो नदी में एको लकड़ी बहता ओके पकड़ के कैसा जान बचाए बाय और जब बढ़िया नैया मिल जाए तब बने छोड़वा ओके ठीक है। तो जब परम सिद्धि के व्यवस्था बा तो फिर रिद्धि सिद्धि लेकर के जीव को उपार्जन का करवे। तो जानिए कि ये परम सिद्धि क्या है और महात्मा किसको कहते हैं। चोंगा पहने वाले के कि महात्मा का वास्तविक अर्थ का बा ओके समझत जा भाई। गणेश जी पूर्ण अतिशय श्रद्धा लिख ले, पूर्ण
अतिशय श्रद्धा दृढ़ विश्वास और पवित्र प्रेम के साथ तीन चीज आयल, पूर्ण अतिशय श्रद्धा एक, दृढ़ विश्वास दुई, और तीसरा पवित्र प्रेम यानी दृढ़ अनुराग। इन तीनों के साथ, इन तीनों के साथ नित्य निरंतर भजन ध्यान का साधन करते करते जब साधन की वह पराकाष्ठा रूप स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ भी साधन करना शेष नहीं रह जाता और तत्काल ही उसे भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है। उस पराकाष्ठा की स्थिति को परम सिद्धि कहते हैं। जो परम सिद्ध पुरुष है वह परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है। यह न को भाई तो भगवान के जो भक्त इस परम सिद्धि को प्राप्त है, उन ज्ञानी भक्तों को महात्मा कहते हैं। उन ज्ञानी भक्तों को महात्मा कहते हैं जिनके आत्मा और शरीर का बंधन नहीं होता। को भाई आत्मा शरीर के बंधन नहीं बा तो रसोगुल्ला मंगइया खोआ भरवा के विचार कर। तो समझ गई ले परम सिद्धि का बा, परम सिद्धि यानी भगवान का साक्षात्कार। ठीक है, तो कुल रूपों में भगवान दिखाई लगी हैं, तो साक्षात दर्शन हो रहा बा। अब जानो कि पुनर्जन्म क्या है और उसे दुखों का घर तथा अशाश्वत यानी क्षण भंगुर किस लिए बतलाया गया है। या ना? तो जानिए जीव जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कर्म बस उसका यो एक योनि को छोड़कर दूसरी योनि में जन्म लेना मिट नहीं सकता। याने बस एक रास्ता वाह। इसलिए मरने के बाद कर्म परवश, कर्म परवश होकर देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियों में से किसी भी योनि में जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता।
देवता के भी योनि में जन्म ले ले, देखकर मतलब तू परमात्मा के प्राप्त नहीं है। और ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो दुख पूर्ण और अनित्य न हो। हर योनि में दुख ही बा, ठीक ना? कह गुरु कंगारू में कहा बाका तो बचवा निकल के देख पाला। हर योनि में दुख बा। जीवन की अनित्यता का प्रमाण तो मृत्यु है ही। जीवन अनित्य है क्योंकि सबकी मृत्यु होती है, परंतु जीवन में जिन वस्तुओं से संयोग होता है उनमें भी कोई एक वस्तु ऐसी नहीं है जो हमेशा एक सी रहने वाली हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमेशा एक जैसा बनी रहे, और जिससे हमेशा संयोग बना रहे। जो वस्तु आज सुख देने वाली प्रतीत होती है, कल उसी का रूपांतर हो जाने पर या उसके संबंध में अपना भाव बदल जाने पर वह दुखप्रद हो जाती है। जिसको जीवन में मनुष्य सुखप्रद ही मानता है, ऐसी वस्तु का भी जब नाश होता है या जब उसको छोड़कर मरना पड़ता है, तब वह भी दुखदायिनी ही हो जाती है। नहीं, इसके साथ साथ प्रत्येक वस्तु या स्थिति में कमी का बोध और उसके विनाश की आशंका तो हमेशा दुख देने वाली होती ही है, नहीं? सुख रूप दिखने वाली वस्तुओं के संग्रह समझ जाती है ध्यान से। सुख रूप दिखने वाली वस्तुओं के संग्रह और भोगों में आसक्ति, वही भरण और भोग, ये दोनों आसक्तियों के कारण बा। आसक्ति न रहे, जैसे आसक्ति रही बा उकरे बदे कुछ भरण नहीं करते, न तो उसे भोग के काम न करे, तो सुख रूप दिखने वाली वस्तुओं के संग्रह और भोगों में आसक्ति बस पाप हो जाते हैं। अगर आसक्ति के बस में रहेंगे तो पाप होना ही होना है, और जब पाप हो जाएंगे तो उनका परिणाम भी नाना प्रकार के कष्टों और नरक यंत्रणाओं की प्राप्ति भी होता है। ल कर आसक्ति, कर संग्रह, कर भोग, आसक्ति संग्रह भोग तीनों मिलके का करान पाप, और पाप करला तो क्या मिला? नाना प्रकार के कष्ट और मरे के बाद नरक। तो को भाई आसक्ति ठीक बा?
तब वो रखबे, अब क्या करबे? जब प्रयोजन के बाहर बात होता तो भाई समझत जा, तो बुद्धि के इतना समझ में आवता कि आसक्ति रखना बड़ा गलत काम बा होता कि नहीं समझ में आवता। इस प्रकार पुनर्जन्म में गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख होने के कारण, गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत क्या है? दुख ही दुख होने के कारण उसे दुखों का घर कहा गया है। तो गर्भ में भवा अब लौटना न पड़े, है ना? तो स्त्री के भग के चिंतन हमेशा के लिए मिटा देवे की पड़ी। तो गणेश जी, और जो नया नया ब्याह करी वो मिटा पाई? और जे जाने के बात करी वो तो कभी ना मिटा पाई। हाँ, और किसी भी योनि का तथा उस योनि में प्राप्त भोगों का संयोग सदा न रहने वाला होने से उसे अशाश्वत यानी क्षण भंगुर बतलाया गया है। ब्रह्मलोक तक ऐसा कौनो भोग नहीं बा जवन नित्य हो और हमेशा सुख देवे वाली हो या ओकर संयोग हमेशा बना रहे, ऐसा कौनो वस्तु नहीं बा। जब ये बुद्धि भवा बात समझी तब भाई ओकर दिमाग में आई कि भवा अब तो कोनो सुख के चक्कर में पड़ना न, जब वो अनित्य बा क्षण भंगुर बा तो ओकरे ओकरे में प्रयास करके का मिली? ठीक न? तो कहते हैं कि वे महात्मा जो परमात्मा को प्राप्त हो गए उन पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता। तो कब ऐसे कहे महाराज? इसलिए नहीं होता कि उन अनन्य प्रेमी भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और यह नियम है कि एक बार जिसको समस्त सुखों के अनंत सागर, सबके परम आधार, परम आश्रय परमात्मा, परम पुरुष भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसका फिर कभी किसी भी परिस्थिति में भगवान से वियोग नहीं होता है। इसलिए भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद फिर से संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। तो बोले लेवा चाहे फिर से नहीं, नित्य निरंतर देखा भाव रास्ता तो बा। तो भैया जब ये बात समझ में आवा था
कि भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता, तो इस कथन से यह प्रकट होता है कि दूसरे जीवों का पुनर्जन्म होता है नहीं। अतः यहाँ यह जानने की इच्छा होती है कि किस लोक तक पहुंचे हुए जीवों को वापस लौटना पड़ता है। भाई मन के गति लोग चढ़ाए, लेकिन कौने लोक तक वापसी में, ये के प्रश्न आई कि नहीं आए? तो जाना समझत आए गणेश जी, तहु प्रश्न आई कि कौने लोक तक पहुंच जाए जहां से वापसी नहीं जा। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं कि या ब्रह्म भुवनालोकः अपुनरावर्तिनो अर्जुन अमामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्मान विद्यते। ध्यान दे भाई, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं। सब लोक, लोग नहीं, सब लोक पुनरावर्ती हैं। माने ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक माने सत्य लोक तक ब्रह्मा जी। तो कहे महाराज से कह मतलब लोक में गुजारा नहीं बा। तो भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं, माने काल से भी बाहर। फिर वहां काल के अंदर वाली ये क्रियाएं हैं। जो भगवान को प्राप्त हो जाएगा वह कालातीत हो जाएगा, फिर ओके मोरे से डर न रही। तो बड़े आराम से 30 मीटर खाई के ऊपर बैठा रही, ओके कोनो समस्या न हुई। यह ना भाई, और ये सब ब्रह्म आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। तो यहां ब्रह्मलोक शब्द किस लोक का वाचक है इसको समझिए। जो चतुर्मुख ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि में भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सारी सृष्टि की रचना करते हैं,
सारी सृष्टि की रचना करते हैं, जिनको प्रजापति, हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा भी कहते हैं, तथा इसी अध्याय में जिनको अधिदैव कहा गया है, वे जिस ऊर्ध्वलोक में निवास करते हैं उस लोक विशेष का नाम ब्रह्मलोक है। उस लोक विशेष का नाम ब्रह्म लोक है और लोकाह पद से भिन्न भिन्न लोकपालों के स्थान विशेष भू भुवः स्वः आदि समस्त लोकों का लक्ष्य है और अव्यय के प्रयोग से उपर्युक्त ब्रह्मलोक के सहित उससे नीचे के जितने भी विभिन्न लोक हैं उन सबको ले लिया गया है। पुनरावर्ती किन लोकों को कहते हैं? बार बार नष्ट होना और उत्पन्न होना जिनका स्वभाव हो, बार बार नष्ट होना और उत्पन्न होना जिसका स्वभाव हो, एवं जिनमें निवास करने वाले प्राणियों का मुक्त होना निश्चित न हो, उन लोकों को पुनरावर्ती कहते हैं। ठीक ना? तो समझा जाए कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोकों को पुनरावर्ती बतलाया गया, परंतु वे पुनरावर्ती कैसे हैं इस जिज्ञासा पर अब भगवान ब्रह्मा के दिन रात की अवधि का वर्णन करके सब लोकों की अनित्यता सिद्ध करते हैं। ठीक ना? कि सभी लोक अनित्य। जब ब्रह्म लोक के जब काल के घेरे में आ जाई तो समझ में आ जाए कि वही के अंदर में सब बने हैं। तो यह प्रसंग अगले बैठक में होगी। अब के लिए इसी वाणी के साथ बोलिए कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।